राज खुल गया है, बात बहुत बड़ी है। यूक्रेन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, क्योंकि पोलैंड पर नजर है और पोलैंड भी हिल गया है, सहम गया है। जो डर था वो सच साबित हुआ है। ऐरा गैरा कहता तो बात इग्नोर की जा सकती थी, लेकिन रमजान कादिरोव ने, जिसकी वजह से ही कुछ कुछ इलाकों पर कामयाबी से अभी तक रूस टिका हुआ है, उस रमजान कादिरोव ने क्लियर कट कह दिया है कि यूक्रेन पर इस साल हम कब्जा कर लेंगे और इसके बाद हम सीधा पोलैंड पर कब्जा करेंगे। और रमजान कादिरोव ने कहा कि पोलैंड पर कब्जा करना मेरी पर्सनल चाहत है और हम जल्द पोलैंड पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा बयान आने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि रूस के इरादे खराब हैं, बड़े खतरनाक हैं, आस पड़ोस के लिए एक बड़ा खतरा है। अब जो रशिया के लिए कहा जा रहा था वेस्ट के देशों के द्वारा, वो सही साबित हो गया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। हर दिन पिछले एक साल से आपको वॉर अपडेट लगातार दे रहा हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ वॉर अपडेट नहीं, हर वो बड़ी खबर आपके सामने रखता हूं इस चैनल पर जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, रमजान कादिरोव के बारे में बता दिया है। हालांकि ये देखिए, यूके पहुंचे थे ज़ेलेंस्की, जिनका जमकर स्वागत किया ऋषि सुनक ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, और बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जमकर स्वागत किया। और ये दौरा खास इसलिए है ताकि फाइटर जेट ज़ेलेंस्की को मिल सके। इसके बाद दोस्तों, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गए, जहां इनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भयंकर स्पीच दी। उनकी स्पीच आज़ादी के नाम से शुरू हुई और उन्होंने छूटते ही कह दिया कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद परिंदे हैं, आप हमें पंख दीजिए यानी फाइटर जेट दीजिए, यूक्रेन जीतेगा। कुछ अंश आपको दिखाना चाहूँगा। I trust this symbol will help us for our next coalition of the plains, and I appeal to you and the world with simple and yet most important words: combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. इसके बाद ज़ेलेंस्की ने किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करी। With the two men meeting there in Buckingham Palace, apologies for the long pause there. I was hoping we would be able to hear what the two men were saying to each other, but we don't have any audio at the moment. इसके बाद देखिए, ये ऋषि सुनक मीटिंग के बाद सामने आए और पीछे आप जो देख रहे हैं वो चैलेंजर 2 टैंक खड़ा हुआ है, उसके सामने खड़े होकर बयान दिए गए हैं। ऋषि सुनक ने कहा है कि कोई भी ऑप्शन टेबल से हटा नहीं है, यानी हम फाइटर जेट भी दे सकते हैं और मदद हम हथियारों की कर ही रहे हैं। अब इसके बाद, क्योंकि ये अब तक का रशिया के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है, तो ब्रिटेन के अंदर जो रूस की एम्बेसी है उसने काफी डरा देने वाला बयान जारी किया। रूस की तरफ से कहा गया कि अगर यूक्रेन को फाइटर जेट दिया जाता है तो फिर यूके को जवाब देने के लिए रशिया रास्ता निकाल लेगा और ऐसा जवाब देगा जिसका असर पूरे वेस्ट पर पड़ेगा। हालांकि उधर ब्रिटेन तैयार हो गया है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं उनको फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। अब ये सारी सेटिंग बैठाने के बाद ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के ही जहाज से उड़ान भरी और सीधा फ्रांस पहुंच गए, ये देखिए। और उधर से फ्रांस पहले ही पहुंचे हुए थे जर्मनी के चांसलर, यानी तीनों खालाओं की पहले से ही मीटिंग चल रही थी। इमैनुअल मैक्रोन ने जमकर स्वागत ज़ेलेंस्की का किया फ्रांस में।
उधर फ्रांस के सेनेटर ने थप्पा मार दिया है, कह दिया है कि हमें जेलेंस्की को यानी यूक्रेन को फाइटर जेट जल्दी से दे देना चाहिए ताकि ये जंग जल्दी से जीत जाए। अब देखिए इसके बाद $10 बिलियन की हिमरास मिसाइलें देने के लिए पोलैंड को अप्रूव कर दिया है अमेरिका ने। उधर देखिए नेटो के चीफ ने अब कैलकुलेशन बता दी है, नेटो के चीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने इस बात का खुलासा कर दिया है कि नेटो $120 बिलियन के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। दोस्तों मिलियन की बात नहीं, 120 बिलियन की बात हो रही है यहां। उधर ब्रिटेन खिचड़ी पका रहा था, इधर रूस के हैकर्स ने ब्रिटिश लॉ मेकर कानून मंत्री का ईमेल अकाउंट ही हैक कर लिया। उधर दूसरी तरफ रूस ले चलूं तो रूस के अंदर रशिया के नए सैनिक लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं सबूत के साथ, चाइना, ये रिपोर्ट देखिए, चाइना जो है फाइटर जेट के पार्ट्स रशिया को सप्लाई कर रहा है, उन पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए अपने फाइटर जेट में लगाकर उन पार्ट्स का ही कह लीजिए, क्योंकि अगर चाइना ये पार्ट्स ना दे तो काफी बड़ा नुकसान और काफी बड़ी मुश्किल में रूस फंस सकता है। तो यूक्रेन की जंग में चाइना के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बात पहले से ही अमेरिका कहता आ रहा है। सवाल भारत पे उठ रहे हैं कि भारी मात्रा में रशिया से तेल और गैस क्यों ले रहा है, ये क्यों नहीं रुक रहा। ऐसे में कोई और कुछ बोलता, भारत के एनर्जी मिनिस्टर ने एकदम क्लियर कट कह दिया है कि कोई कुछ भी कहे, हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के फायदे के लिए रूस से लगातार तेल लेते रहेंगे। आपको मालूम है कि भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ मिलकर बनाई है, दोनों की बराबर की पार्टनरशिप है। अब आपको बता दूं कि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के जो हेड हैं अतुल दिनकर राणे, उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, भारत और रशिया की किसी भी दोस्ती या किसी और पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बड़ी बात बताऊं, इस वक्त रिपोर्ट यह है, भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इस वक्त रशिया के अंदर हैं और कहा यह जा रहा है दोनों देशों के बीच डिफेंस को लेकर बड़ी डील्स हो सकती है। अब आपको रूस का एक बड़ा नुकसान दिखाना चाहूंगा, यह देखिए, यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाली जगह ओसा में जो रूस ने अपना एयर डिफेंस तैनात किया था, यूक्रेन ने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। उधर ईरान ने फिर से पलटी मार, ईरान ने नकार दिया, नहीं नहीं हमारा कोई है ही नहीं सिस्टम, हम ईरानी रूस के अंदर कोई भी ड्रोन फैक्ट्री बनाने का इरादा नहीं रखते हैं। उधर जो सैनिक लड़ कर वापस आए हैं रूस के सैनिक, उनको फिर से रशिया ने प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड बांटे हैं।
उधर रूस ने अपने ओरलान 10 ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले किए हैं। टिट फॉर टैट की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए रशिया ने भी 77 अमरीकियों पर पाबंदी लगा दी है। अंधेरा होते ही रशिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। बेलगोरोड के इलाके पर चारों तरफ से मिसाइलें आईं, तुरंत रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो गया। तस्वीर आपके सामने। अभी तक मैं आपको रूस के SU-25 को दिखा रहा था जो यूक्रेन पर कहर बरपा रहे थे, लेकिन ये देखिए, ये यूक्रेन का है MiG-29 एयरक्राफ्ट एडवांस फाइटर जेट जो कि रूस पर बमबारी कर रहा है। रूस के इलाकों में, यानी यूक्रेन का ही वो इलाका जो रशिया के कब्जे में है, वहां पर खतरनाक बमबारी कर रहा है यूक्रेन का MiG-29। उधर रशिया ने एक तरफ नरमी भी दिखा दी है। मॉस्को ने कह दिया है कि हम वेस्ट के देशों से बातचीत करने के लिए नॉर्मली तैयार हैं। उधर जर्मनी के चांसलर ने एकदम से बड़ा झटका दे दिया है। हाँ, देखिए, इन्होंने अपने बयान में, जो कि हर मीडिया पर आ चुका है, पूरी दुनिया में यह खबर जा चुकी है, जर्मनी के चांसलर ने बिल्कुल, यानी ओलाफ स्कोल्स ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को वो फाइटर जेट नहीं देंगे और वो सबमरीन भी यूक्रेन को नहीं देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा 6 महीने पहले रूस के ऐसे पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ जो समुद्र के अंदर से होकर वेस्ट के देशों की तरफ वो गैस पाइपलाइन जाती थी, वहां पर बड़ा धमाका हुआ। रूस ने तभी कहा था कि यूक्रेन और अमरीका का इसमें हाथ है, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम शांति चाहते हैं, अलान और फलान और धमाका। अब आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है। अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर साइमोर हेर्श नाम के एक रिपोर्टर ने खुलासा कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी करी कि उस धमाके में गैस पाइपलाइन जो उड़ाई गई थी रूस की, उसमें अमरीका का हाथ था। हालात अमेरिका की तुरंत इतनी पतली हो गई कि व्हाइट हाउस को बयान जारी करना पड़ा। व्हाइट हाउस ने ठुकरा दिया, नहीं, ये तो काल्पनिक कहानी है भैया, हमने कुछ नहीं किया था, यानी पूरी तरह से इस रिपोर्ट को झुटला दिया। लेकिन सच आप भी पहले से जानते थे और हम भी पहले से जानते थे। यूक्रेन के खार्किव के इलाके में देर रात रूस की एक मिसाइल गिरी, वो CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। इतना ही नहीं, उधर यूक्रेन के डोनेस्क के इलाके पर रूस ने देर रात हमला किया। दोस्तों, आज की वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।